हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फूड जीनियस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में, जिसका अपडेट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा कि कब से आपके आवेदन शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी और इसका एग्जाम कब तक कराया जाएगा, क्या सिलेबस रहता है और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आपका फिजिकल रहता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी क्या रहती है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम 2021 में क्लियर किया हुआ है, तो मुझे एसएससी जीडी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो आप बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दीजिएगा। और काफ़ी बच्चे दोस्तों मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपने एग्जाम को कैसे क्लियर किया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा जो है दोस्तों फिजिकल का एडमिट कार्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट में मेरा नाम आया था एसएससी जीडी में। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी रैंक जो रही थी वो 23149 रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंस कुमार मेरा नाम यहाँ लिखा गया है और आप इसको भी दोस्तों यहाँ मैच कर सकते हैं, जो मेरा रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है इसको भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि मैंने एग्जाम को कैसे पास किया है और आप भी कर सकते हैं। उसके बारे में दोस्तों फिर डिटेल से बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, 2022-23 की जो वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ने होंगे जो सीधे एग्जाम में आए। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमें क्या पता कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा नहीं आता है। इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पर हमने सबसे बेस्ट पीडीएफ तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने 2021 के लिए तैयार किया था और खुद का सिलेक्शन लिया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन मैंने खुद कराया है इसी पीडीएफ से। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। पेपर पास करने की दोस्तों पूरी गारंटी हमारी रहती है। 25,000 क्वेश्चन का दोस्तों पीडीएफ है, बस आप इसको पढ़ लीजिए और आपका काम बन जाएगा। बस दोस्तों, 1,000 रुपये की पीडीएफ मात्र दोस्तों आपको 100 रुपये में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों व्हाट्सअप करना है हमें इस नंबर पर 6396453592, यानी 6396453592। दोस्तों, आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पीडीएफ को कंप्लीट विजिट कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको वो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आपकी ज़िंदगी बना सकता है। दोस्तों, इस बार अगर आपने ठान लिया है कि मुझे एसएससी जीडी में जाना है, मुझे वर्दी पानी है, तो इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिए और पीडीएफ आप सभी का हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे बात करता हूँ कि वैकेंसी कब से आ रही है, अगर आपको जिसको पीडीएफ लेना है तो वो ले सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि इसके जो आवेदन है, जो अप्लाई ऑनलाइन है, वो कब से शुरू हो रहा है। एसएससी जीडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 14 नंबर यानी 14 नंबर पर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का दोस्तों अपडेट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और इसका दोस्तों आवेदन कब से शुरू होंगे, रिलीज कब से होंगे और दोस्तों इसकी क्लोजिंग डेट क्या है। तो देखिए 10/12 यानी 10 दिसंबर 2022 से इसके जो आवेदन है रिलीज हो जाएंगे, यानी आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसकी क्लोजिंग डेट यानी दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 जनवरी 2023 से रहने वाली है और इसका जो एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में कराया जाएगा 2023 में, यानी मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो डेट थी वो 2023 थी, इसलिए इस वैकेंसी को 2023 कहा जा रहा है, लेकिन अब इसको वैकेंसी को बदल दिया गया है, अब ये वैकेंसी 2022 में आने वाली है। ये तो पता चला दोस्तों आपको इसकी रिलीज डेट का और क्लोजिंग डेट का और इसके एग्जाम डेट का, कि एग्जाम और इसके अप्लाई स्टार्ट कब से हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता चल गया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर दोस्तों कि इसमें होता क्या, इसका सिलेबस क्या है और इसका दोस्तों फिजिकल जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको नजर आ होगा ऊपर लिखा है एसएससी जीडी सिलेबस, ये थोड़ा सिलेबस गलत लिखा है, यहाँ पर इसको ध्यान मत दीजिएगा, 2021 का है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये 2021 का नहीं है, 2022 में भी यही सिलेबस होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, सिलेबस ये मैंने लिखा था 2021 में और उस टाइम दोस्तों ये मैंने चिपकाया हुआ था अपनी दीवार पर, यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने तैयारी की थी अपनी। और आप भी दोस्तों इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर जो है 25 नंबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको एक बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, इसमें 25 नंबर की आपका आता है दोस्तों, इसमें हिंदी, जो हिंदी लिखा है ये 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और हिंदी का सिलेबस ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हिंदी में यही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। वहीं दोस्तों मैथ की बात करें तो मैथ में भी दोस्तों 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, और दोस्तों किस
सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे भाई, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। आपके 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर में से कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों देखिए, रीजनिंग में ये आपका चैप्टर है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके और 25 नंबर के होंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका दोस्तों सब्जेक्ट है, लिख दिए मैंने। और इसमें दोस्तों एक सब्जेक्ट नहीं है, वो है आपका जीके जीएस। अब जीके जीएस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों, आप बिल्कुल मैथ यहाँ पर आप जीके जीएस में आप क्या होता है आपका कुछ भी आप पढ़ लीजिए वो तो आपका आता ही है, ठीक है भाई। कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए। दोस्तों ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें ये भी तो नहीं पता है कि आएगा कहाँ से पूछ ले जाए। तो आप जीके में तो जितना पढ़ें वो कम है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो है दोस्तों आपका सब्जेक्ट, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ही दोस्तों बनाया हुआ पीडीएफ यहाँ पर वो है और यहीं से मैंने तैयारी की थी, इसी ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में कि फिजिकल टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल के बारे में, एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों होता क्या है, एसएससी जीडी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी सबसे पहले रनिंग के बारे में बात कर लेता हूँ, रनिंग कैसे होती है। सबसे पहले मेल के बारे में बात करेंगे, रनिंग मेल के बारे में कि मेल की रनिंग कैसे होती है। देखिए दोस्तों, मेल के लिए यहाँ पर आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। ध्यान दीजिए, मैंने खुद पास की दौड़ और मैं बताऊँगा कैसे पास करते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है और वो भी दोस्तों आपको मिलते हैं 24 मिनट, ठीक है। 24 मिनट मिलते हैं दोस्तों रनिंग क्वालिफाई करने के लिए और आराम से आप कर जाएंगे अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस करते हैं। वहीं दोस्तों ये फीमेल की बात कर लें, जो फीमेल होती हैं उनके लिए दोस्तों क्या योग्यता होती है फीमेल के लिए, ठीक है। जो फीमेल है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की और इसमें मिलते हैं उनको 8.5 मिनट। कितने मिनट? 8.5 मिनट उनको मिलते हैं फीमेल जो होती है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। इस पर 1600 मीटर जो आर्मी में रनिंग होती है वही रनिंग यहाँ पर होती है, लेकिन इनको टाइम ज़्यादा मिलता है, 8.5 मिनट का टाइम मिलता है फीमेल के, लड़कियों के लिए, ठीक है। बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर। ये तो होगी भाई आपकी रनिंग की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हाइट के बारे में, ठीक है। हाइट के बारे में, हाइट दोस्तों यहाँ मेल लिख लेता हूँ मैं और यहाँ फीमेल लिख लेता हूँ। इनकी जो हाइट रहेगी मेल की वो 170 सेंटीमीटर रहती है भाई, और इनकी फीमेल की रहती है 157 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, सारी बात आपको क्लियर होती चलेंगी। वहीं दोस्तों चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट केवल मेल के लिए होता है, वो होता है 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में। अब 5 सेंटीमीटर का जो गैप है इसमें आपको फुलाव यानी आपका एक्सपेंशन मांगते हैं वो 5 सेंटीमीटर का, और देखते हैं कि आप कितने अंदर फुला पा रहे हैं। अच्छे से फुलाएंगे तो आराम से हो जाता है। तो ये दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट और हाइट 170 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। तो यही होता है दोस्तों आपके यहाँ पर क्या आपके फिजिकल में, ठीक है, जो मैं लड़कियों की और लड़कों दोनों के लिए बता दिया है मैंने, ठीक है, और चेस्ट के बारे में बता दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो वेट होता है, वेट कुछ भी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका वेट दोस्तों 50, ये सबके लिए एवरेज बता रहा हूँ मैं, एक एवरेज वेट बता रहा हूँ, 50 से दोस्तों 70 के बीच में होना चाहिए। आपका वेट इतना है तो आराम से चल जाता है। वेट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, सीरियस लेते हैं हाइट को, चेस्ट को, ठीक है, और रनिंग को। बस ये आपका होना चाहिए तो आपका काम हो जाता है। दोस्तों ये था पूरा वीडियो, आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली पड़ा है, बिल्कुल दोस्तों कमेंट कीजिएगा जो भी आपका डाउट रह गया है। और पीडीएफ दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए भाई, पीडीएफ में हमने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और खुद का भी सिलेक्शन लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पीडीएफ में कितना अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, ये नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 6396 45 35 92, ये नंबर है भाई हमारा, ठीक है। और इसी पर आपको पीडीएफ मिलेगा, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, आपको व्हाट्सअप पर इसका रिप्लाई मिलता रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपकी आशा करता हूँ कि इस बार आप 2022 में बिल्कुल सिलेक्शन लेंगे अगर आप अभी से मेहनत करते हैं। कुछ बहुत से लोगों को क्या कि सर अभी तो वैकेंसी नहीं है, तैयारी क्यों करें? तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम बहुत कम बच जाता है फिर लोगों के पास, इसलिए दोस्तों तैयारी अभी से शुरू करें। चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।